उमरान मलिक जो कि भारत के सबसे तेज गेंदबाज है, लेकिन बता दें कि भारत के स्क्वाड से उन्हें बाहर कर दिया गया है। लेकिन बता दें कि उमरान मलिक अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। बता दें कि उमरान मलिक जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी जो कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रहा है जिसमें उमरान मलिक ने अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाई है। बता दें कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो कि जम्मू एंड कश्मीर से खेल रहे हैं उमरान मलिक, जम्मू एंड कश्मीर इतना मजबूत टीम नहीं मानी जाती है डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो, लेकिन बताया जाए कि जम्मू एंड कश्मीर में जब से उमरान मलिक शामिल हुए हैं उनका परफॉर्मेंस कमाल के हो गया है। ऐसे में ही एक मुकाबला हुआ है जम्मू एंड कश्मीर बनाम मिजोरम के बीच में, जिसमें उमरान मलिक की गेंदबाजी के सामने मिजोरम के बल्लेबाजों ने बिल्कुल घुटने टेक दिए हैं। बता दें कि यह मुकाबला जो कि जम्मू एंड कश्मीर ने मात्र 7 रनों से जीता है, जो कि बेहद लो स्कोरिंग मुकाबला था जम्मू एंड कश्मीर और मिजोरम के बीच की बात करें तो। बता दें कि इस मुकाबले उमरान मलिक ने एक ही ओवर में 2 विकेट ले डाले। बता दें कि उमरान मलिक का पूरा परफॉर्मेंस की बात करें इस मुकाबले में तो वह कुछ इस प्रकार से रहा, 4 ओवर का बॉलिंग किए जिनमें से मात्र 27 रन दिए और 3 विकेट झटके, और 3 विकेट बेहद ही अहम था, टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों का विकेट था जो कि टीम के हेल्प किया और टीम जीत गई यह मुकाबला। तो वैसे में उमरान मलिक को अभी भी उम्मीद है भारतीय टीम में शामिल होने का, क्योंकि बता दें कि उमरान मलिक भारतीय टीम के वैसे स्क्वाड में भी थे और प्लेइंग 11 में भी खेल रहे थे, लेकिन कुछ मैचों के बाद से उन्हें बाहर कर दिया गया है। और इसका जो सबसे बड़ा वजह बताया गया है कि वह बेहद ही महंगे हो जाते हैं, उनका लाइन लेंथ कंट्रोल नहीं है। लेकिन शार्दुल ठाकुर का भी देखें तो ऐसा ही कुछ परफॉर्मेंस है, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है शार्दुल ठाकुर को, लेकिन कंटिन्यू शार्दुल ठाकुर को मौका मिलता है। जमरान मलिक के पास एक स्पेशल टैलेंट है, वह है सबसे तेज गेंदबाजी करने का। अगर इनके मौका दिया जाता है, इन्हें गेंदबाज बनाया जाता है तो भारत के सबसे बेहतरीन गेंदबाज बन सकते हैं। तो उमरान मलिक से जुड़ी यह खबर थी, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।